नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं शनि जब दूसरे भाव में होते हैं तो उसका क्या फल होता है। दूसरा भाव, जैसा कि आप सभी को पता है, धन, कुटुंब और वाणी का होता है। साथ ही साथ आपके होने वाले पत्नी के स्वास्थ्य को भी हम दूसरे भाव से देखते हैं, क्योंकि सप्तम का अष्टम जो है वो आपके लग्न का दूसरा भाव होता है। तो शनि जब दूसरे भाव में विराजमान होते हैं, व्यक्ति को थोड़ा ज्यादा धीमा बात करना पसंद आता है। ऐसे लोग बहुत ही शांति से बात करते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि वो चिल्ला मिल्ली करे या बहुत ज्यादा शोर मचाए। हाँ, अगर तुला लग्न है और वृश्चिक राशि में शनि है, तब व्यक्ति थोड़ा उग्र या थोड़ा चीख के बात करेगा। सेम उसी प्रकार अगर मीन लग्न है और मेष राशि में शनि विराजमान है, तो थोड़ा व्यक्ति ज्यादा चीख के बात करेगा। अदरवाइज दूसरे घर का शनि व्यक्ति को बहुत ही शांत स्वभाव का और धीमा बात करना या धीरे धीरे लोगों को समझाना, बिल्कुल गुस्सा ना करना, इस तरह की स्थिति को देता है। दूसरे भाव का शनि पत्नी की तबीयत में खराबी पैदा करता है। कैसे? क्योंकि पत्नी स्थान जो होता है वो सातवां होता है, सातवें का अष्टम होता है लग्न से दूसरा। तो जब शनि दूसरे में रहते हैं तो पत्नी को स्पेशली ओवरी या यूट्रस से रिलेटेड, यानी कि लोअर अबडोमिनल जो निचला पेट का हिस्सा है होता है, उससे रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज आते हैं। कईयों में देखा गया है कि मिसकैरेजेस, यानी कि बच्चा होने में जो बाधाएं पैदा होती हैं, वो दूसरे भाव के शनि के कारण होती है। कई बार दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर शनि का दूसरे भाव की बात कर रहा हूँ, तो ये इफेक्ट आता है। एक से ज़्यादा मिसकैरेजेस होते हैं, यानी संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। दूसरे भाव का शनि व्यक्ति को सेविंग्स में, यानी धन संचय करने में थोड़ा धीमा रखता है। ऐसे लोग बहुत ही स्लोली, धीरे धीरे अपने पैसे की सेविंग्स करते हैं। हाँ, अगर ये शनि एकादशेश या फिर द्वादशेश होकर दूसरे भाव में विराजमान है, तो यहाँ पर सेविंग्स व्यक्ति थोड़ा अच्छा खासा, मतलब स्पीड से कर लेता है। अदरवाइज दूसरे भाव का शनि सेविंग्स स्लो ही कराता है। अगर दूसरे भाव में शनि है और वो राशि अगर मेष या वृश्चिक हो, तो ऐसी अवस्था में शनि की महादशा या अंतरदशा में पत्नी को कोई गहरी चोट लगना या आग से जलना, एसिड से जलना, या इस तरह के इंजरीज, इस तरह की दुर्घटना होने के कारण पत्नी को हॉस्पिटल में भी एडमिट होना पड़ता है। स्पेशली अगर मंगल की महादशा चल रही हो उसमें शनि की अंतरदशा, या शनि की महादशा चल रही हो और मंगल की अंतरदशा चले, तो ऐसी अवस्था में दूसरे भाव का शनि थोड़ा सा ज़्यादा अग्रेसिव होता है या व्यक्ति को थोड़ा ज़्यादा पीड़ित करता है। यानी अपने स्पाउस के चक्कर में या अपने लाइफ पार्टनर के चक्कर में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं और उनकी देखभाल में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। दूसरे भाव का शनि किसी दूसरे व्यक्ति के जलन की वजह से होने वाली जो गलतियाँ होती है, या कई बार ऐसा होता है कि आपकी तरक्की से या आपके स्टेटस से दूसरे लोग जलते हैं और जलन की वजह से आपका नुकसान पहुंचाते हैं, तो यहाँ पर दूसरे भाव का शनि ऐसी दुर्घटनाओं से या किसी भी दूसरे व्यक्ति के नुकसान से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, काफ़ी ज़्यादा सेफ रखता है। बहुत बड़ा कोई दुश्मन बनता नहीं है। हाँ, छोटे मोटे जलसी के प्रॉब्लम आते हैं, बट इसमें शनि बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन देता है। दूसरे भाव का शनि अपने पैसों को खर्च करने में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव बनाता है, बहुत ज़्यादा हिसाब रखने वाला बनाता है। ऐसे लोग अपने बच्चों को या अपनी धर्मपत्नी को या किसी भी व्यक्ति को अगर पैसे दे खर्च करने के लिए, तो उनका पाई पाई हिसाब मांगते हैं, या फिर पहले हिसाब मांग लेते हैं, बजट देख लेते हैं, फिर पैसा देते हैं या पैसा लगाते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे लोग थोड़े से कंजूस भी होते हैं, क्योंकि धन भाव में शनि विराजमान होते हैं तो खर्च भी धीरे धीरे कराते हैं, इनकम धीरे कराते हैं, प्लस साथ में खर्च भी धीरे कराते हैं। अक्सर देखा गया है कि दूसरे भाव का शनि, अगर व्यक्ति कहीं पर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट या झगड़ा हो रहा हो या फाइट चल रही हो, तो जिनके दूसरे भाव में शनि होती है तो ऐसे लोग बहुत ही धीमा बात करेंगे और बहुत ही प्यार से समझाएंगे। कई बार इस कूलनेस की वजह से या प्यार से समझाने की वजह से अगला व्यक्ति, यानी ऑपोजिट में जो इंसान खड़ा है, वो डर जाता है कि ये बंदा कितने कॉन्फिडेंस से और बहुत ही इजीली इस मैटर को टैकल कर रहा है, इसके मतलब है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ जोर है। तो
इसी वजह से दूसरे भाव का शनि जो है किसी भी तरह के झगड़े में भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देता है। नॉर्मली ऐसे व्यक्ति थोड़े लंबी आयु के होते हैं, ऐसे लोगों की आयु थोड़ी सी लंबी होती है और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हिसाब से चलते हैं, चाहे वो खान पान का मैटर हो, चाहे वो कपड़े पहनने का मैटर हो, वो हर चीज़ का पाई पाई बिल्कुल सटीकता से हिसाब रखते हैं। दूसरे भाव का शनि व्यक्ति को खान पान में भी बहुत ज़्यादा चूजी बनाता है, ऐसे लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाना नहीं खाते, बहुत ही शांति से, धीरे, बहुत ही स्थिरता से खाना खाते हैं और बहुत कम मात्रा में खाते हैं, जिससे उनकी लाइफ एनर्जी हाई रहे और उनका जो लाइफ स्पैन है यानी जीने का जो समय है उसमें वृद्धि हो। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाना पसंद नहीं करते, कई बार तो ऐसे लोग वेजिटेरियन ही होते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके दूसरे भाव में शनि है या नहीं, अगर है तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। शनि के उपाय के लिए बहुत ही सरल सा उपाय है, आप किसी भी गरीब व्यक्ति को या फिर आपके घर में काम करने वाले जितने सर्वेंट होते हैं, नौकर चाकर होते हैं, उनको बिना किसी कंडीशन के हेल्प कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको इस वजह से हेल्प कर रहे हैं क्योंकि वो आपके घर में काम कर रहा है, या किसी गरीब को इस वजह से हेल्प कर रहे हैं कि आपको बदले में भगवान और देगा, नहीं। आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि इस व्यक्ति की सहायता हो जाए, बदले में मुझे क्या मिल रहा है उस पर आपको ध्यान नहीं देना। अगर आप अनकंडीशनल लव दिखाते हैं किसी भी गरीब को और स्पेशली आपके घर में काम करने वाले कर्मचारी या सर्वेंट को, तो इसमें शनि का सबसे अचूक उपाय होता है। वो अगर खुश रहेंगे तो आपको जीवन में किसी प्रकार का बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। शनिदेव विचारक हैं, इस वजह से वो अनकंडीशनल लव पसंद करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।